हम आपको दिखाने, मेरा जो गांव है, जो मेरा विलेज है, मैं उसका टूर करवाता हूँ। मैं आपने देखा होगा मेरे वीडियो में कि मैंने ताजमहल, आगरा, दिल्ली का बहुत सारी चीज़ों को दिखाया होता है। आज मैं अपना गांव को एक्सप्लोर करता हूँ और मैं दिखाता हूँ मेरा गांव, जो यहाँ से स्टार्ट होते हुए आपको जो टावर दिख रहा है उससे भी आगे जाते हो, नेक्स्ट वाला टावर दिख रहा है वहाँ पे खत्म होता है। तो ये मेरा छोटा भाई है, ये दूसरा मेरा भाई है, ये मेरे भाई जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आप इसको कॉन्टेक्ट करना सक अगर आपको घर का डिज़ाइन करना, कुछ भी करना है तो आप इसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको यहाँ दे दूंगा कमेंट में। तो अभी जो देख पा रहे हो वो सारे के सारे मेरा गांव, यहाँ एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होते हुए अब जो सामने टावर दिख रहा है वहाँ से लेते हुए नेक्स्ट वाला जो टावर दिख रहा है वहाँ पर ख़त्म होता है। तो मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ अपना गाँव का, और यहाँ पर चचा जी काम करते हुए खेत में, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक एक चीज़। जो एक जो आप साउथ मूवी देखे होंगे ना, तो साउथ से बहुत सारा कॉमन चीज़ दिख जाएगा, जैसे आपको सामने गाय माता दिख जाएगा तो वो भी हो गया यहाँ पे। मतलब पहले ज़माने में स्कूल बनने वाला था, पता नहीं क्यों नहीं बना। तो मैंने सुना था दादा लोग का ज़माने में ये बाउंड्री बना था उस टाइम पे, जो अभी तक है यहाँ पे। और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा, तो मेरा वीडियो देखते हो नहीं देखते हो हमको पता है। तो अभी सामने चलते हैं, यहाँ पे कुछ काम चल रहे कुछ कंपनी वंपनी का। और सामने बेसिकली मेरा गांव यहाँ से स्टार्ट होता है, और यहाँ फर्स्ट घर जो है ये सामने दिख रहा है, फर्स्ट घर ये है। उसके बाद फिर आप चलते हैं, और इधर पानी का टंकी जो दिख रहा है आपको, ये सब पानी का टंकी है। जो मेरा गांव का फर्स्ट घर ये रहा, से आगे भी मेरा गांव है, इधर से जा सकते हो। मेरा गांव का जो मेन एंट्री है, यहां से एंट्री होता है गांव के लिए। और यहां पे देख होता है, यहां पे सबसे पहले घुसते आपको एक पुल दिख जाएगा छोटा सा, और यहां नहर है, और एक टावर के पास ही मेरा आसपास ही कहीं पर घर है। तो मैं आपको बता नहीं सकता, अभी दिखा नहीं सकता, बाद में दिखाऊंगा मैं। और यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा गाँव। गाँव का कुछ घर इस टाइप का होता है, मकान होता है तो प्लस्तर नहीं होता, प्लस्तर होता है तो कुछ भी ऐसा होता है। और ये जो आप देख पा रहे ये चारा है, बेसिकली गाय के लिए सब किया जाता है। और ये मेरा घर, इसमें हम लोग नमाज पढ़ते हैं, जो जिस टाइम पे हो यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पे, चलो। और ये मेरा पहला स्कूल है जो आप देख पा रहे हैं। इस स्कूल में मैंने पढ़ा लिखा, अभी दिल्ली पहुंचे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसी स्कूल से पढ़ना स्टार्ट किया था। एक खूबसूरत सा मस्जिद जो देख पा रहे हैं, जामा मस्जिद है मेरा गाँव का, एकदम खूबसूरत सा जामा मस्जिद। आपको एक चीज दिख जाएगा ना, हर घर के 80% गांव घर में गाय दिख जाएगा आपका, गांव के लोगों के पास। और सामने जो दिख पा रहे हैं एक मस्जिद है, और मेरा गांव का ईदगाह भी यहीं पे, ईद का नमाज, बकरीद का नमाज यहीं पे पढ़ते हैं हम लोग इसी जगह पे। और मैंने पिछले वीडियो में देखे होंगे, मैंने ईद का नमाज इसी पे यहीं पे आया था पढ़ने के। तो ये मस्जिद है जो हर चीज किया जाता है यहाँ पे। भी एक है जो आपको दिखा रहे जूम करके, मकई मकई वाला खेतना, मकई वाला टाल वाला जो भी है ना, तो ये दोनों अपना है, मुझे उतना कंफर्म याद नहीं है। और ये भी है, तो ये किसी मेरा कज़न का है जो खाली वाला पड़ा हुआ है, खाली खेत। ये मैं रहता नहीं है तो मुझे इतना पता नहीं है कंफर्म कौन किसका है, लेकिन मेरा भाई है मुझे बताने के लिए किसका है। तो ये भी जो आपको दिख रहा है बगीचा बड़ा वाला, वो भी अपना है। तो अभी चलते हैं, मैंने सिर्फ आपको अभी तक एक ही खेत दिखाया, अभी अंदर और है तो मैं उतना नहीं कवर कर पाऊंगा। और आपको दिखाते हैं गाँव के दूसरे टाइप, दूसरे जो कैसा है। ये सब अपना ही खेत है यहाँ से लेके। तो ये सारा जो देख पा रहे आप, जितना मतलब देख पा रहे यहाँ से लेके काला काला जो है, ये सब करेले की खेती, ये परवल की खेती यहाँ पे जो आप देख आपको दिखाते हैं। जो ये देखो आप करेला जो लोग खरीदते हैं, हमें ताज़ा ताज़ा मिलता है वो फ्री में। तो ये रहा मेरा करेला का खेत, अभी आपको दिखाते हैं मिर्च का खेत और भी। तो आगे तक है मकई का खेत, तो मैं उतना दूर जाऊँगा नहीं, बस साइड से दिखा देता हूँ आपको। और मेरा लेबर सब शायद भाग गया है काम करके, जो अभी अभी तो टाइम हुआ नहीं है, फिर भी पता नहीं कि यहाँ पे नहीं है, चाहे दूसरा खेत में गया होगा। तो आपको दिखाते हैं एक एक चीज करके। और ये रहा मिर्च का खेत अपना, दोस्तों लोग के साथ आना, भाई लोग के साथ, तो यहाँ पे आके हम लोग बहुत मजे करते हैं जहाँ पे बैठ के। अभी बहुत पुराना हो चुका है इसलिए टूट फूट गया है ये पेड़ है। इसमें पहले करेला हुआ, करेला होने के बाद इसमें परवल, जो मतलब इसको ना हम लोग आम भाषा में टाल बोलते हैं, और ऐसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इसको टाल ही बोलते हैं अपना भाषा में। तो जैसे देख पा रहे करेला होने के बाद एक जब ख़त्म हो जाए तो फिर इसमें परवल होने लगेगा,
तो ऐसे होती है खेती करेले की और परवल की। मिर्च भी मैंने दिखा दिया, दिखाई दी आपको। तो आगे और भी है, उस साइड मेरा खेत है, मुझे टावर दिख रहा है, उधर भी मैं उधर नहीं जा पाऊंगा, अभी बहुत थक गया। तो मैं आपको देखिए लोग करते हैं कैसे करते हैं, ये देख पा रहे जैसे परवल छोटा छोटा बहुत ही प्यारा सा, और सामने जितना गाड़ी ने उससे ज़्यादा मॉडिफाई हो चुका है, उतना उससे ज़्यादा पैसा लग चुका है ऊपर में। तो गबर आ जाना होती बंद करूँ। वो जो सामने आपको मकई दिख रहा है, मकई का पेड़ में थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, वो सब अपना है। तो ये सब अपना है, मतलब ये अपना नहीं है, ये दूसरे किसी और का है। तो ये बांस, ये जो बगीचा दिख रहा है वो भी अपना है, यहाँ से चलते। और मेरा गांव फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा गाँव, इधर से होते हैं, तो मैं उतना कवर नहीं कर पाऊँगा अभी। तो अभी चलते हैं यहाँ से लेकर, और टावर दिख रहा है, वो टावर के पास जाना है मेरा, एक्चुअली घर वहीं पे है। ये अपना है, ये अपना है, और ये भी अपना है। तो गाइस अभी हम चलते हैं टमाटर का खेत, जो टमाटर का खेत चलेंगे अभी, और आपको दिखाते हैं टमाटर का, टमाटर कैसे होता है वो आपको दिखाते हैं। तो मैं टमाटर खेत भी पहुंच चुका हूँ। एक्चुअली ना मेरा गांव में सिर्फ सब्जियों का खेती होती है, सब्जी हो गया और आलू हो गया, फिर धान हो गया, गेहूँ नहीं होती है, धान और मक्का। तो अभी हम पहुंच चुके हैं टमाटर का खेत, और मैं आपको वो दिखाता हूँ टमाटर का खेत, टमाटर कैसे होता है। गाइस ये रहा टमाटर का खेत, अब जैसे देख पा रहे हैं, और अभी ये पका नहीं है, जो पक जाए, पकने के बाद ये लाल हो जाएगा। और अभी जा रहा मेरा गब्बर सिंह जो पका हुआ तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको ना एक एक पेड़ को बंधा जाता है, फिर जैसे देख पा रहे हैं इसको ना एक एक पेड़ को बंधा जाता है ताकि वो खड़ा रहे, नहीं तो ये मतलब टूट जाता है टमाटर का वेट से। तब जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे, और ये टमाटर खेत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर यहाँ जो खाली खेत, जो जितना खाली खेत जितना भी आपको दिख रहा है वो सारा अपना है, जो दिख रहा है आपको वो सारा का सारा अपना खेत है। ये भी अपना ही है, वो मिर्च का है, और यहाँ पे गब्बर लेकर आओ, यहाँ पे एक मिल चुका है, यहाँ पे टमाटर जो पका हुआ वाला, ठीक है जरा, टमाटर जो पका हुआ अभी अभी, मतलब टमाटर पका नहीं, कहाँ पे है गब्बर, अभी दिखाते आपको पका हुआ सब टमाटर। तो ये रहा जैसे देख पा रहे, ये पका हुआ टमाटर, और ये सब अभी बच्चा है। तो बहुत मेहनत करना पड़ता है ये सब चीज़ों के लिए। और वहाँ पे अभी भी दो बंदा काम कर रहा है, देख पा रहे जैसे दो बंदा उठ गाछी को देख रहा है, और ये खाली पड़ा हुआ क्यों पता नहीं, इसमें क्यों ना कुछ लगाया। तो अभी चलते हैं आपको दूसरा खेत दिखाने के लिए। अभी मतलब कहीं पर भी चल जाए, कोई भी खेत में चल जाए, तो उसमें कुछ ना कुछ सब्जी दिख जाएगा आपको दिखने के लिए। तो अपना ही है, और यहाँ से लेके पूरा अगले रोड तक, मतलब रोड नहीं दिख पाएगा आपको जितना दिख रहा है, वो सारा 25 एकड़ का जमीन, ये 25 एकड़ ना, ये 25 एकड़ का प्लॉट है पूरा अपना। तो यहाँ से सारे का सारा करेली है, मकाई है, यहाँ पे परवल, एक फिर बैठने के लिए टांग बोलते हैं हम लोग अपना भाषा में। तो मुझे तो आप क्या बोलते हो जितना यार, मुझे पता नहीं। और यहाँ पे मकना खेत देख पा रहे छोटा सा, और यहाँ से फिर मकाई, फिर एक वहाँ आपको पेड़ दिख जाएगा खजूर का, खजूर का है क्या, शायद खजूर का ही पेड़ है। फिर से यहाँ पे एक अपना खेत है, ये जो देख पा रहे, ये अपना, ये भी अपना ही है, और ये भी अपना है। तो जैसे देख पा रहे यहाँ से लेकर ये अपना है, मकई वाला खेत अपना नहीं है, सिर्फ ये इतना है, और यहाँ से लेकर अपना यहाँ तक ही बस अपना, और आगे फिर रोड के उस पार भी है, तो उधर अंदर है रोड, तो उधर नहीं जाने वाला मैं, क्योंकि मकई वकाई में ना थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो यहाँ से मेरा गांव खत्म होता है, यहाँ से मेरा दूसरा खेत चालू होता है, जो आपको देखा तार वाला जो की क्या है, ओल ओल पता नहीं चचा, क्या चीज का सब्जी का लगा हुआ है यहाँ पे, क्या चीज का है वो सब्जी, ओल। तो आप सामने चल आज सामने अपना, इधर में इधर नहीं जाऊंगा मैं, इधर थोड़ा अंदर ट्रैक पर तक पहुंच जाएगा अंदर। तो मैं अभी चलती हूँ आपको, हम एक यहाँ पे गुरुद्वारा है, तो मैं आपको वो दिखाने के लिए चलता हूँ गाय। और यहाँ पे ओल जो दिख जाएगा, ये ओल का पेड़ है, जो सब्जी खाते होंगे आप, ये ओल का है, आलू का तरह होता है कुछ, और मुझे नहीं पता, 5-5 केजी का होता है एक, बाप रे बहुत बड़ा होता है खबर है। Thank you.
मैं आपको सामने दिख रहा है, बस यही दिखाने के लिए इतना दूर, मतलब इतना खूबसूरत लगता है देखने में ये रात का टाइम में, इतना खूबसूरत लगता है जब लाइट उठ जलता है तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत लगता है। यही गुरुद्वारा अपना, तो खूबसूरत है यहाँ पे बहुत। सबको पता होगा कि गुरुद्वारे में मतलब खाना खिलाया जाता है, तो उसके लिए बन रहा है अभी। और मैंने जहाँ हम लोग अंदर जा रहे हैं, चप्पल खोल के जाना पड़ेगा ना, कहीं पे मस्जिद मंदिर कहीं पे भी जाओ चप्पल खोल के जाना चाहिए। तो अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर और चाचा जी हमें दिखाने वाले अंदर में कैसा है कुछ। तो ये रहा गुरुद्वारा, हाँ दे दीजिए अंकल आप कपड़ा दे दीजिए। तो आप गुरुद्वारा एंट्री करने से पहले, जैसे मस्जिद में एंट्री करने से पहले रुमाल या टोपी हो, मतलब ये नेसेसरी नहीं है गुरुद्वारा में जाने के लिए, आपको माथा में कुछ होना नेसेसरी है ना। हाँ चाचा तो, देख लेंगे तो एक मिनट, हमें तो उतना पता नहीं। तो चाचा बता दोगे वो उसमें क्या है, मतलब पालकी जो है आप उसका आगे आ जाइए ना, थोड़ा बता दीजिए उसके बारे में क्या है नहीं है। वो है हम लोग का जो ग्रंथ जो है, हाँ हाँ जो हम लोग पढ़ते हैं, हाँ जी वही है। अच्छा वही है ग्रंथ जो आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख पाएंगे गुरु नानक का जो पोस्टर उस्टर है, फोटो वोटो, तो यहाँ पे हो गया। अभी ऐसा ही कुछ है अभी, मतलब देख पा रहे बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा है गुरुद्वारा। और यही जो होता है ना एकता, यही होता है। आप थोड़ी दूर पे जाओगे आपको मस्जिद दिख जाएगा, थोड़ी दूर पे मंदिर और यहाँ पे गुरुद्वारा। थैंक यू चाचा। तो अभी यहाँ पे मतलब बोर्ड उड भी है, मतलब टाइम दिया हुआ किस टाइम पे आप आ सकते हो। तो अभी चलते घर के लिए, हो गया। बस मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि आप मेरा घर के पास में, ओ चाचा अभी रख लो रुमाल रख लो, थैंक यू। तो कुछ इस टाइप का है गुरुद्वारा। और यहाँ पे मतलब जो लंगर होता है, आपको कहीं दुनिया में कहीं भी चल जाओ, जब छठ की पूजा होती है, जो आप देख पा रहे सामने, रुको मैं जूम करता हूँ, जो आपको ज़्यादा दिख रहा है, ये इसमें छठ की पूजा होती है सब जगह में। तो यहाँ पे छठ, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये काला जो पत्ता पत्ता टाइप का, ये असल में मखना है। इसके अंदर में एक छोटा सा कुछ फल होता है और तब जगह मखना बनता है। तो ये मखना हो गया, आपको मैंने एक एक चीज़ दिखा दिया सारा का सारा चीज़। जब को मकई दिख रहा है वो अपना खेत है, खाली वाला भी अपना है। और वहाँ पे सामने वाला मकान मेरा दोस्त का घर है, जो मेरा दोस्त है सब कुछ है, गांव का मेरा भाई दोस्त, जो मानना मान लो अगर मैं गांव में रहूँगा तो वो भी आ जाएगा, ऐसा है सिचुएशन। तो ये रहा, और फिर मेरा गांव यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ देख पर वहाँ से स्टार्ट होता है मेरा गाँव। घुसने से पहले आपको दोनों गांव, मेरा गांव घुसने से पहले आपको दो चौक दिख जाएगा। अब जब लेफ्ट से घुसो या फिर राइट से घुसो, जिधर से घुसना घुसो, आपको दो चौक दिख जाएगा। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगा आपको, जो जो आपका नीड होगा आपको एक चीज़ दिख जाएगा यहाँ पे। यहाँ प्यारी सी बच्ची जो कुछ खा रही है, और यहाँ से लेके इधर भी है तो नहीं दिख पा रहा है पेड़ पौधों के लिए। और यहाँ से कुछ इस टाइप का लगता है देखने में, आप देखो छोटा छोटा घर है, किसी का मकान का है, तो किसी का टीना का है, किसी का लकड़ी का घर है, तो सबका घर है। और ऐसे यहाँ पे हम लोग रहते हैं। और ये मेरा जो घर है वो मैं अंदर नहीं दिखाऊंगा अभी, क्योंकि मुझे बाद में घर दिखाना अपने, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। और मेरा घर का जस्ट ये सब पेड़ दिख जाएगा आपको, ताकि घर ठंडा रहे। और भी आगे पेड़ है देख जाओगे सही यहाँ पे। और मेरा यहाँ से एक सामने जो खेत दिख रहा है, सामने आपको मैंने पूरा अपना गांव दिखा दिया कैसा दिखता है दिखने में। और आपको जो दिख रहा है लाल लाल वो मिर्च है, तो उसको इग्नोर करें। तो अगर गांव का वीडियो आपको ज़्यादा से भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ भी वीडियो में अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं। तो हम ये रहा मेरा गाँव, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और कहीं और।